उनके पुत्र द्वारा किसानों पर दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ाई जाती है। एयरपोर्ट भी बिक गया, रेलवे भी बिक गया, जहाजे भी बिक गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर मुकेश यादव के साथ, और ये चौराहा है दीदारगंज, और यहाँ पे हम लोगों का मूड जाने का कोशिश करेंगे कि आखिर लोग सरकार से संतुष्ट हैं या नाराज हैं। योगी जी को 4.5 साल हो गया है, उनके कामकाज से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम लोग 0 नंबर देते हैं उनको डायरेक्ट, 10 में से 0 नंबर। अगर हम 10 नंबर की बात करें तो आप 0 0। कोई एक योजना उनको बता दीजिए जो आम पब्लिक या जमीनी स्तर पर पहुँचा हो। अखिलेश की सारी योजनाओं का शिलान्यास, यही है बीजेपी का कार्यकाल, बाकी कुछ नहीं, सब बेकार अफवाह। अच्छा, 2022 में आप किसको सीएम देखना चाहते हैं? देखिए, सीएम की जहाँ तक बात है, सीएम के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं नहीं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं, ऐसे ऐसे चेहरे हैं। नहीं देखिए, सीएम पद के दावेदार हैं। देखिए, सीएम के दावेदार में अगर सबसे श्रेष्ठ माना जाए तो प्रियंका है, लेकिन अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए नंबर 2 की हैसियत अगर रखते हैं उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी। अच्छा, आप बात कर रहे हैं प्रियंका जी की, आखिर क्या उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो आप उनको पहले स्थान पर ला रहे हैं सीएम के अगर दावेदार के पद पर देखा जाए तो? मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जी, तो अंग्रेजों ने हमारे देश में कुछ नहीं छोड़ा था, शायद आपको पता होगा। जी जी जी, कांग्रेस, हमने ये पढ़ा इतिहास, ये पता। कांग्रेस ऐसी गवर्नमेंट है, अगर आप जमीनी स्तर पे आप अपने आप को झांक लें, अपने परिवार वालों से पूछ लो, 47-48 में जब आप देश आज़ाद हुआ 47 में, उसके बाद लोगों को पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था। हिंदुस्तान को चलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस की नीति थी जो किसान को लेकर, जवान को लेकर, औद्योगिक इकाइयाँ स्थापना करना, उसके साथ साथ दो-दो युद्ध करना, चाइना से करना, पाकिस्तान से करना, मामूली चीज़ है। उसके बाद भी हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को बराबर बढ़ाए रखना, 10 लाख 12 लाख हमारे जो सैनिक हैं, उसके बाद मैंने थल सेना, उसके बाद तमाम हमारे पास पनडुब्बी, फिर कहने का मतलब है कि लड़ाकू विमान, ऐसा कौन चीज़ नहीं हुआ कि लोगों को उठाते उठाते, लोगों को रोज़गार देते हुए, लोगों को मतलब खाना पीना सारा चीज़ बंदोबस्त करते हुए, कांग्रेस ने डेवलपमेंट करते हुए वहाँ तक को ले के गया। बीजेपी ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमको आप 35 साल दीजिए। हम कहते हैं बीजेपी को छोड़ दीजिए, कहती है क्या नहीं कहती है, बीजेपी वाले तो सिर्फ सिवाय माफ़ी और झूठ के अलावा कुछ के, अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, पब्लिक में झूठ बोला, वही उनकी नीत है, उनकी नीयत है, बाकी सब नहीं। उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, और फिर आप बता दीजिए जिसको, जिस चीज़ को कांग्रेस गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकृत किया था, चाहे आपका बैंक हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे दोगी क्या, आखिर क्या हुआ? ये आज दुगनी करने वाले थे, फसल को दुगना बीमा, और वो ये चप्पल पहना के हवाई जहाज़ पर सफ़र कराने वाले थे, लेकिन संजोग ऐसा हो गया कि चप्पल भी पैर से निकल गया, एयरपोर्ट भी बिक गया, रेलवे भी बिक गया, जहाजें भी बिक गई, औद्योगिक घरानों के हाथ क्या नहीं बिच रहा, ये बताइए हमको जी। एक चीज़ और बताइए, ये योगी जी ये दावा करते हैं कि हमारे शासनकाल में पहले से जो अपराध था वो अपराध अब कम हुआ, काफ़ी कम हुआ, गुंडागर्दी कम हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अपराध के जो प्राइवेट सर्वे हैं या उनके सरकारी एजेंसियों के सर्वे के मुताबिक, मैं तो आज तक यही जानता हूँ कि अपराध बढ़ा है, और महिलाओं के प्रति तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि अब महिलाएं पूरी दिन रात 24 घंटा कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अभी आजमगढ़ में आए थे, भाषण देकर गए हैं, ठीक है, कितनी महिलाओं को मारा गया आपको पता है? आप ही दिखाते हैं जी, दूसरा कोई दिखाता है? जी जी, दिन दहाड़े बलात्कार होता है, आप ही दिखाते हैं, दूसरा कोई दिखाता है? और यहाँ तक कि सुराग देने वाले, यानी कि कहने का मतलब कि उनके साथ खड़े होने वालों को भी कुचल दिया जाता है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ जब एक गृहमंत्री, राजगृहमंत्री नंबर 2, यानी अगर अमित शाह के बाद अगर किसी का है दर्जा है तो गृहमंत्री टोनी का जी, उनके पुत्र द्वारा किसानों पर दिन दहाड़े गाड़ी चढ़ाई जाती है। क्या गृहमंत्री के घर पर बुलडोजर तो चढ़ाने की बात छोड़ दिए, उनको इस्तीफा तक नहीं लिया गया। आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, कभी आपने इस बात को उठाया? जी जी, हम हर कुछ सच्चाई दिखाने की बात करते हैं। कहाँ सच्चाई दिखाएंगे? नहीं, हम दिखाएंगे, हम अपने चैनल के जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं
वो तो उन्हीं के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो हमारे चैनल का पर्पज है, जो भी अपराध हो रहा, जो गलत हो रहा, उसका विरोध करेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जी सारे, अब ये बताइए, आप प्राइवेट कर्मचारियों की बात रख लीजिए, एजेंसियों के माध्यम से उनकी नौकरी हो रही है जी, आप अपने घर वालों को MBBS बना रहे हो, पढ़ाने में 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हो जी, लेकिन 15,000 रुपया पे मानदेय पे डॉक्टर को मजबूरन नौकरी करना पड़ रहा है, उनको छोड़ दीजिए, जेई बनाने के लिए क्या करना पड़ता है उनको मजबूरन संविदा पे, संविदा तो छोड़ दीजिए, ठेके पे रखा जा रहा है, ठेकेदार ना उनका मानदेय देता है, ना उनको छुट्टी देती है, और 24 घंटा काम भी करवाता है। तो वो तो निजीकरण को फायदा बताते हैं, निजीकरण का मतलब यही फायदा, यही फायदा है। आप लोग अपने घर वालों को पढ़ाना छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपये लगाना छोड़ दीजिए, एजुकेशन छोड़ दीजिए, वही निजीकरण है। अगर वो कहे 5,000 रुपया काम करो, बताइए आप 5,000 में अपने लड़कों को पढ़ा सकते हैं, 5,000 रुपया में अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, 5,000 रुपया में आप अपने स्वास्थ्य शिक्षा कुछ दे सकते हैं, फिर निजीकरण का क्या मतलब है। जो कि एक हमारा न्यूनतम वेतन है मिनिमम 17,000 रुपया मिनिमम वेतन में जी जी, वो भी अनस्किल्ड का, स्किल्ड है 22,000 22,000 से अब होता है, उसके ऊपर जो इंजीनियरिंग है तो 35,000 से ऊपर होता है, लेकिन सबको ला के 5,000 7,000 8,000 व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये हमारे देश की शासन चल रही है, ये तो पहले जमाने वाली बात हुई, राजा आया लोगों को खटवाया, मारा डंडा भगा दिया, जब चाहे निकाल दिया, जब अब राजशाही राजशाही डिक्टेटरशिप एकदम सेम, वो प्रत्यक्ष ये अप्रत्यक्ष, ये मूल रूप से मैं आपको बता दूं, ये जो एजेंडा बन रहा है, ये संविधान को नष्ट करने के लिए एजेंडा बन रहा है, ये आपका जो आरक्षण उसको ख़त्म करने के लिए एजेंडा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आरक्षण ख़त्म किया जाएगा तो देश आंदोलन की तरफ जाएगा, इसलिए प्राइवेटकरण करके सारे सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, लोग समझे ना समझे वो अलग विषय है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दीदारगंज जी चौराहे पे यहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ पे हम लोगों से राय लिए कि आखिर लोगों का मूड क्या है, सरकार से लोग संतुष्ट है या असंतुष्ट है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।